तो अभी ये अपने पास एक कार है, ठीक है, इसमें अभी जैसे बारिश चल रही है तो आपको लीकेज का प्रॉब्लम कभी ना कभी कार में आया। मैं थार पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, लीकेज के बारे में थोड़ी बहुत बताइए, तब कार के बारे में बता देता हूँ लीकेज का प्रॉब्लम आता है तो कार में। आपको मेन तो पहले विंडशील से लीकेज होगा, आपने अगर कभी कांच बनवाया है, नया डलवाया है तो लीकेज का प्रॉब्लम आएगा, जो अगर ग्लू भरा भरने में कोई तकलीफ हुई हो तो जो भरते हैं, ठीक है, फिर हाँ तो ये चीज़ लीकेज होगी। देखो ये वहाँ से हो गई, फिर आपकी पीछे विंडशील आती है ना, पीछे वाली, इसमें से लीकेज आती है, तो मैकेनिज्म सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ से भी लीकेज हो सकती है, फिर कई बार इसके ऊपर से भी होती है। तो अभी गाड़ी में दिखाऊँ लीकेज, बारिश में पानी गिरता है, पीछे दिखता है, पीछे पानी है, हाँ वो तो कल भी मैंने पानी देखा था, यहाँ पानी है, आपको दिखा देता हूँ। अभी बारिश अभी काफ़ी अच्छा खासा हो रही है हमारे यहाँ, यहाँ पे पानी गीलापन दिखेगा, ये रहा अच्छा खासा गीलापन है, पानी दिख रहा है जैसे पानी गिरता है। तो एक चीज़ हमने एक मतलब एक चीज़ ढूंढ के निकाली, ऐसे लीकेज, ऐसे लीकेज कहीं भी हो सकता है कार में आपके, तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जो आपका इसके लीकेज है तो आप एक रबड़ बदल दोगे तो काम हो जाएगा, कई बार रबड़ से भी लीकेज होता है। और लीकेज चेक करने के लिए बस आपको करना है, आपको जब बारिश बहुत तेज़ हो रही हो तो आप उसमें बैठ के चेक करो, तब तो आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअल में रीज़न कहाँ है, रीज़न मालूम होगा तो आप उसका सॉल्व करोगे, ठीक है, ये चीज़ करनी है। तो इसमें हमको मालूम पड़ा कि हमारी ये जो विंडशील ऊपर से यहाँ से लीक है, अब जो चीज़ आपको मैं बताऊँगा वो आप कहीं भी इस्तेमाल करो, ठीक है, ऐसी कोई लीकेज हो तो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने कभी देखा होगा मेरे को एक ट्यूब इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मैंने जब वो थर्मोस्टेट बदल रहा था वहाँ पर हुआ, तो हेड गास्केट बनाने के काम आती है, ठीक है, RTV सिलिकॉन करके है ये नाम है, और ये पड़ती है 185 रुपये ना, 150 रुपये मिल जाएगी आपको, ये मैं इस्तेमाल करने वाला, इससे रबड़ की एक सील जैसा बनता है। तो पहले क्या करना है, अब मैं बताता हूँ पूरी चीज़। तो पहले आपको क्या करना है, इसको साफ़ कर लेना थोड़ा, ये जो गैप है इसमें भरेंगे हम लोग, यहाँ गैप से पानी अंदर जाता है और रिश्ता अंदर, इसको हम लोग पैक कर देने वाले हैं, और ये आसानी से निकल जाती है बाद में रबड़ के साथ, जब रबड़ जैसा बन जाता है, रबड़ कहीं से भी निकल जाता है, ठीक है, तो इसमें भरेंगे, तो इसको पहले आपको साफ़ कर लेना अच्छी तरह, इसको मैं अभी साफ़ कर लेता हूँ, फिर इसको अपने भरेंगे। तो हम लोगों ने इसको साफ़ कर लिया जितना करना था। अब भी आपको प्रोडक्ट के बारे में क्या होता, तो ओ कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो पहले वही नोब दे, साफ़ कर रहा है, तो ये नोब को काट, ये नोब काट के ना आपको इसको धारदार बना लेना है, ठीक है, फिर ये ट्यूब में लगाना है, इसके अंदर आगे मुँह पे इसको रखना है, ठीक है। इसमें दो तीन कलर आते हैं, जिसमें ब्लैक कलर नहीं लिया हम लोगों, थोड़ा सिल्वर टाइप का लिया, वाइट कलर का, ठीक है, ब्लैक भी मिलता है ब्लैक भी ले लो। तो ये भी आप कर सकते हो, जो पट्टी आती है वाली, इसको निकालो थोड़ा, यहाँ से एक दो लोक निकाल दोगे तो इसमें गंदगी होती है, वही साफ़ कर लो, आपको यहाँ से भी लीकेज हो सकता है, यहाँ पानी रुकेगा ये वाले हिस्से से, तो भी ये पानी डिस्क के अंदर ही जाएगा, इसको साफ़ कर लो निकाल के, इससे आपको भरने में आसानी रहेगी। तो अपने पूरा साफ़ कर लिया, तो अब इसका सेटअप करो, इसको काटो तो थोड़ा टेढ़ा काटना है, कटर ले लो कोई अच्छा सा, थोड़ा और काट दे, छेद बड़ा कर, पीछे तक जाने दो, बहुत थोड़ा बड़ा तो वो ज़्यादा निकलेगी, पर ऐसा टेढ़ा ही काटना है आपको साफ, बहुत थोड़ा, हाँ चलेगा, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए तो क्या अंदर तक घुसेगा, ठीक है। अब ये ट्यूब में उल्टा घुमा के होल कर देते हैं, ये वाला ये ट्यूब हो जाएगी तैयार। अगर आपको ब्लैक नहीं तो ब्लैक ले लो, सिल में काफ़ी अच्छी दिखेगी, ये थोड़ा गाड़ी का कलर सिल्वर कलर से है इसलिए इसको प्रीफर किया, हाँ, और इसको अपने लगाएंगे। तो ऐसे करके उधर जाना देना है, किधर आने देना है, उधर जाने देना है, हाँ ठीक है। तो ये निकाल लिया है, तब यहाँ से भरेंगे इसको, एकदम मस्त साफ कर लिया, देखो भर भाई, आपको दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, पीछे से मोड़ते जाना जब वो निकलते जाए, क्योंकि कोई ट्यूब निकल रही है धीरे धीरे, ना हो तो होल बड़ा कर ले भाई। तो ऐसे आपको डाल के धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है, और चेक करते रहना कि मतलब वो ट्यूब निकले अंदर, ऐसा ना कि फिर ना मालूम नहीं निकल रही ट्यूब, आप घुमाते जा रहे हो इसको, फिर धीरे धीरे अब उधर से फाता, आप इधर खींचो या इधर से उधर खींचो, ये चीज़ उसमें भरते जानी है। लगे आपको कम भरा है तो फिर से भर लो थोड़ा, नहीं बराबर है, बराबर है, हाँ बस, लेकिन क्या है एक बार ऐसे इसको फिर से ऐसे घुमा देना, हाँ तो लेवल हो जाएगा, हाँ लेवल हो जाएगा, उसको एक बार घुमा दोगे तो हो जाएगा मस्त। ये चीज़ अपने थार में भी करेंगे, अभी थार का भी बताऊंगा, उसको भी सोल्यूशन में सिर्फ ओरली दिया था, कई दो तीन चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा मैं उसमें सोल्यूशन में, तो मस्त भर लेना, और जो बाहर दिखे वो कोस लेना है, तो थोड़ा बहुत जैसे कि देखो खुला हुआ दिख रहा है, या माल कम हो सकता तो माल फिर से भर लो, फिर इसको दबा के आपको ऐसे देख मार लीजिए,
क्योंकि आप प्रेशर बना रहेगा तो एग्जैक्ट सील जैसा बन पाएगा। तो ये सब टेप इस्तेमाल कर लेंगे आप, डक्ट इस्तेमाल कर लो या फिर उस लेटर पाती चौड़ी वाली वो मार लो, ये मारेंगे अपने इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मस्त साफ करके ये टेप लगा लेंगे। फर्नीचर वाले के यहाँ मिल जाएंगे, हार्डवेयर वाले के, फर्नीचर या हार्डवेयर वाले के मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये टेप लगा लेता हूँ। तो ये देखो लगा दी टेप, थोड़ा बहुत रुकती है, तो इसी देखो आप एक लीकेज बंद कर दो, फिर क्या होगा अभी सूख जाएगा, 15-20 मिनट लगेगा, फिर एक दो घंटे में हार्ड बन जाएगा, ऐसे रबड़ जैसा हो जाएगा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। और उसको फिर आपको पूरा चेक करना पड़ता है, आप गाड़ी पहले चेक करो पानी नहीं गिर रहा आपका काम हो, नहीं हो रहा तो फिर आपसे फर्नीचर की बहुत गलती हो जाएगी, जैसे कहीं रह जाता है छोटा मोटा टुकड़ा हिस्से में, तो वहाँ से फिर से पानी गिरेगा, फिर से आप उसको एक बार भर दो, आपका काम हो जाएगा। ऐसे छोटी सी पोस्टिंग में आप अपना लीकेज बंद कर सकते हो, ठीक है। अपने थार में भी करेंगे इसको। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।